दुनिया को अमन की तबलीग करने वाले मुल्कों ने अपनी फौजों को मजबूत करने और चीन पर गलबा पाने के लिए कारून के खजानों के मुंह खोल दिए हैं। चीन और रूस का खौफ किस कदर मगरबी मुल्कों के आसाब पर सवार है उसका अंदाज़ा आपको इन मुल्कों के रिकॉर्ड दिफाई और फौजी बजटों से बखूबी हो जाएगा, जिसमें वाज़े तौर पर चीन को दलील के तौर पर पेश किया गया है और कहा गया है कि इन फौजी बजटों के आसमान पर चढ़ते हुए इन आदादोशुमार की वजह चीन की बढ़ती हुई ताकत है। आज की वीडियो में आपको चीन, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान, इसराइल, यहाँ तक के सऊदी अरब और भारत के हवाले से भी उनकी दिफा और फौजों पर खर्च होने वाले अखराजात की मालूमात फराहम करेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसने तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मंजूर करवा लिया है और सेनेट में पेश होने वाले इस दिफाई बजट को मंजूर करते हुए खास तौर पर ये बताया गया इस रिपोर्ट में, दलील के तौर पर इसे जो है वो सामने लाया गया कि चूंकि चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, उसका आलमी असर व रसूख जो है वो भी बहुत बुलंदी पर है, इसलिए ताइवान को चीन के खिलाफ मुसल्ला करने की वजूहात जैसे मसाइल की वजह से हमें ये बजट इतना ऊपर रखना पड़ रहा है। यहाँ पर हैरानगी की बात यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो बजट तजवीज़ किया था, यानी उससे भी 45 अरब डॉलर ऊपर रखे गए हैं। लिहाजा आज तारीख में पहली बार अमरीका ने 858 अरब डॉलर का बजट अपनी फौज के लिए मुख्तस कर दिया है। जी हाँ, 858 अरब डॉलर, वो भी एक साल के लिए। नाज़रीन, आपको इस वीडियो में रूस के हवाले से, चीन के हवाले से या फिर जर्मनी, जापान, जनूबी कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इसराइल, यहाँ तक के सऊदी अरब के हवाले से भी बताते हैं, मगर आप ये जान लीजिए कि 8000 के करीब अमरीकी फौजियों को मुअत्तल भी किया गया है। ये वो फौजी थे जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया था। जबकि यहाँ पर दी रिपब्लिकन पार्टी के जो एक अहदेदार हैं जिम इनहॉफ, उनसे जब सवाल किया गया मीडिया पे कि पहले ही जो अमेरिका के कर्जे हैं वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं, तो इस पर दी रिपब्लिकन पार्टी के जो आला अहदेदार हैं जिम इनहॉफ, उन्होंने मीडिया को बताया कि हमें अमेरिका की सलामती और उसकी हिफाजत जो है वो मकसूद है और ये बजट उसके लिए है, बस आपके लिए इतना जानना काफ़ी है। यानी ये 2% सा जो एक जवाब है वो मीडिया को दे दिया गया, लेकिन असल में जो वजाहत पेंटागन की तरफ से दी गई अमरीकी दिफाई इदारे, दिफाई सलामती के सफे अव्वल के इदारे की जानिब से, कि चीन जो है वो अपनी ताकत मुसलसल बढ़ा रहा है और आलमी सतह पर मुख्तलिफ मुल्कों को रुपये, पैसे और दौलत के जोर पर अपना मोती और फरमाबरदार बना रहा है, लिहाजा ऐसी सूरत में हमें जो है अब इस्तेमाल करना होगा अपने दिफाई बजट का भी और अपने इत्तेहादियों की इमदाद का भी, और दूसरे से लफ्ज़ों में अगर आप कहें तो अपने इत्तेहादियों को जो कि चीन के खिलाफ बेसिकली खड़े हैं, बरसरे पैकार हैं, उनको फौजी तौर पर हमें मजबूत भी करना होगा। लिहाजा एक तगड़ा और तवाना दिफाई बजट अमेरिका की ज़रूरत बन चुका है। नाज़रीन, इस दिफाई बजट में अरबों डॉलर की रकम जो है वो ताइवान को मुसल्ला करने के लिए अलॉट की गई है, जबकि 800 मिलियन डॉलर की रकम जो है वो तो यूक्रेन के लिए पेशगी तौर पर रखी गई है। याद रहे कि तकरीबन 90 अरब डॉलर तक यूक्रेन पर खर्च हो चुके हैं अब तक, जिसमें से तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर तो सिर्फ अमेरिका ने खर्च किए हैं, और अब 800 मिलियन डॉलर की एक पेशगी जो है इमदाद का ऐलान किया गया है, और इस तरह पूरे साल में न जाने कितनी बार ये जो रकम है वो हथियारों की सूरत में यूक्रेन को मौसूल होती रहेगी। नाज़रीन, यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे जो मुल्क आता है वो है चीन। अवामी जमहूरिया चीन का दिफाई बजट कागजी कार्रवाई में, या जिसे कहते हैं कि ऐलानिया बजट, 270 अरब डॉलर बताया जाता है, लेकिन माहिरीन दुनिया और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है दुनिया की, वो ये बताती हैं कि चीन का असल दिफाई बजट 300 अरब डॉलर से ऊपर है। लेकिन बहरहाल आप उसे 270 अरब डॉलर कहें या 300 अरब डॉलर कहें, ये एक इनफिरादी दिफाई बजट है अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे आप ये सवाल ज़रूर आपके जहन में होगा
कि अगर अमेरिका का 858 अरब डॉलर का बजट है और चीन का जो है वो 300 अरब डॉलर का है, तो शायद इन दोनों की ताकत में भी इतना फर्क होगा, या इन दोनों की आलमी जो हैसियत है या फौजी ताकत है उसमें भी जो डिफरेंस है, जो स्पैन है, वो शायद इतना ही होगा। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ये फर्क दोनों बजटों में जरूर है, 300 अरब डॉलर या 858 अरब डॉलर, लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह है। इसका मतलब ये नहीं है कि ताकत में फर्क है या चीन जो है वो कहीं पे कमजोर है अमेरिका की मतलब अमेरिका के मद्दे मुकाबिल, लेकिन इसकी असल वजह जो है वो ये है कि अमेरिका के दिफाई बजट में एक बड़ा जो हिस्सा है वो तो उसके इत्तेहादी जो है इमदाद की सूरत में उड़ा ले जाते हैं, जैसा कि इसराइल, जैसा कि यूरोप के बहुत से मुल्क, जैसा कि यूक्रेन, जैसा कि अब ताइवान, या फिर शुमाली कोरिया के खिलाफ जनूबी कोरिया की इमदाद, या फिर जापान की जो इमदाद है चीन के खिलाफ, या फिर भारत की इमदाद, और इसके अलावा जो अमेरिका के 750 के करीब फौजी एयरबेस हैं, फौजी अड्डे हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में, उनके भी बहुत भारी भरकम अखराजात हैं। अगरचे ये सभी फौजी अड्डे जो हैं वो जंग में हिस्सा नहीं लेते और ये महज एक बोझ साबित हो रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेंटेनेंस के अखराजात हैं, यहाँ पर अमले की तनख्वाहें और अखराजात हैं, और जिन मुल्कों में ये अड्डे बनाए गए हैं उन मुल्कों की झोली में भी अरबों डॉलर डालना पड़ता है, लिहाजा ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो उस बजट में से निकल जाता है। दूसरा ये कि चीन के जो हैं उसके भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन वो 100 से कम हैं, यानी 50 से 100 के दरमियान हैं, और इसके अलावा अगर आप चीनी फौजी और अमरीकी फौजी की मुराआत, उसकी तनख्वाह या उसके पेंशन के जो दीगर पहलू हैं वो देखें, तो अमेरिका के फौजी की तनख्वाह, उसकी मुराआत, उसके पेंशन और दीगर चीज़ें जो हैं वो चीनी फौजी के नस्बत बहुत ज़्यादा हैं। यकीनन इस बजट में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करता है, और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका जो है वो 2600 अरब डॉलर का चीन का मकरूज है। यानी एक तरफ तो जो बाइडन हुकूमत ने अमेरिका के जो कर्जे हैं वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिए हैं, यानी तारीख में पहली बार 30 ट्रिलियन डॉलर का जो हिंसा है वो पार हो गया है, और इसके अलावा जो साबिका हुकूमत थी डोनाल्ड ट्रंप की उसमें ये कर्जे 24 ट्रिलियन डॉलर तक, और अब 31,500 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो अमेरिका का बताया जा रहा है, जबकि इसमें 2600 अरब डॉलर तो सिर्फ चीन का देना है। नाज़रीन, अगर आप दिफा पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले मुल्कों की फहरिस्त मुलाहिज़ा फरमाएं तो इस फहरिस्त में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है, जो कि 70 अरब डॉलर के करीब अपने फौज पर जो है अपने दिफा पर खर्च करता है, और ये मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा दिफाई बजट है और आलमी सतह पर तीसरा बड़ा दिफाई बजट है। चौथे नंबर पर भारत आता है 61 अरब डॉलर के साथ, पांचवें नंबर पर बरतानिया आता है 57 अरब डॉलर के साथ, जबकि आपको यहाँ पे छठे नंबर पर मौजूद जर्मनी के हवाले से भी एक अहम खबर दे दें कि जर्मनी का बजट तो 50 अरब डॉलर है, लेकिन 100 अरब यूरो का एक खसूसी पैकेज भी जर्मनी ने ऐलान कर दिया है, जो कि अपनी फौज की ताकत को बढ़ाने के लिए है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि यूक्रेन में असलाहे की सप्लाई और रिवायती हथियारों की जो तरसील है उस पर जर्मन वजीर दिफा ने खबरदार किया था, और ये इंतबाह जारी किया था जर्मन हुकूमत को कि हमारे पास जो रिवायती हथियारों के जखायर हैं वो बिल्कुल रेड लेवल से भी नीचे जा चुके हैं, और अगर खुदा नखास्ता हमें जंग लड़नी पड़ जाए तो हम फुल स्केल जंग जो है वो एक हफ्ते भी बड़ी मुश्किल से शायद लड़ पाएं, लिहाजा इसके लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। लिहाजा इस ज़िम्न में 100 अरब यूरो जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं ताकि उस लेवल को ऊपर लाया जाए। यानी आप कह सकते हैं कि रूस ने तकरीबन बेशतर यूरोपी मुल्कों का कुछ ऐसा ही हाल कर दिया है, उन सबको अब खसूसी पैकेजेस के ज़रिए अपने आप को दोबारा स्टेबल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने यूक्रेन भेजा उसका नतीजा तो बहरहाल रूस ने इस तरह ही निकाल दिया है। और नाज़रीन, अब ऐसी ही सूरत हाल जापान को भी फेस करना पड़ रही है, जो कि सातवें नंबर पर है, और वो 49 अरब डॉलर जो है वो अपने दिफा पर खर्च कर रहा है, लेकिन जापान अब 300 अरब डॉलर के इनकलाबी पैकेज का ऐलान कर चुका है, जिसमें वो अपनी फौजी ताकत को शुमाली कोरियाई फौज और चीनी फौज के मुकाबले में बढ़ाने का एक इरादा कर चुका है, ऐलान कर चुका है, और उसके लिए भी
ये परेशानी चीन और शुमाली कोरिया की वजह से बनी हुई है, जहां पे उसे महसूस हो रहा है कि जापानीज डिफेंस फोर्स को अब अपनी ताकत जो है वो बढ़ानी होगी और उस पाए की करनी होगी कि वो अपने दिफा को चीन जैसी बड़ी ताकत के खिलाफ या फिर शुमाली कोरिया के खिलाफ मजबूत बना सके। लिहाजा यहाँ पे जापान भी एक अमरीकी इत्तेहादी है, उसे आप यूरोपीय इत्तेहादी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन तमाम मुल्कों के साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। नाजरीन, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर रूस आता है, जिसका दिफाई बजट 48 अरब डॉलर है, जबकि उसके बाद जनूबी कोरिया आता है जिसका दिफाई बजट 44 अरब डॉलर है, और आखिर में फ्रांस आता है जिसका दिफाई बजट 42 अरब डॉलर के करीब है। नाजरीन, इस फहरिस्त को मुलाहिजा करने के बाद शायद आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा हो या एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में क्लिक कर रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ बड़ी ताकतों के दिफाई बजट जो हैं वो इस फहरिस्त में उन मुल्कों से कम नज़र आ रहे हैं जो कि उतनी बड़ी ताकतें नहीं हैं। मिसाल के तौर पर भारत का दिफाई बजट जो है वो रूस से ज़्यादा है, या फिर जनूबी कोरिया का दिफाई बजट जो है वो फ्रांस से ज़्यादा है, या सऊदी अरब का दिफाई बजट भी रूस से ज़्यादा है वगैरह। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये ममालिक इन ममालिक से कोई बड़ी ताकतें हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि असल में रूस हो गया, अमरीका हो गया, चीन हो गया या फिर फ्रांस हो गया, ये वो ममालिक हैं जो खुद हथियार बनाते हैं और इन्हें खरीदने नहीं पड़ते, लिहाजा ये खुद हथियारों की खेती रखते हैं और हर चीज़, चाहे वो फिजाई फौज के इस्तेमाल के लिए हो, समंदरी फौज के इस्तेमाल के लिए हो, या ज़मीनी यानी बर्री फौज के इस्तेमाल के लिए हो, वो इनके पास खुद की होती है। जबकि भारत हो गया या फिर सऊदी अरब हो गया या जनूबी कोरिया हो गया, ये खरीदार मुल्कों में आते हैं जो कि इनकी मनपसंद कीमतों पर बेची जाने वाली चीज़ों की कीमतें खरीद अदा करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अब राफेल तैयारे फ्रांस बनाता है और भारत उससे जो है राफेल तैयारे खरीदता है, यानी फ्रांस खुद बनाता है, लिहाजा उसे अपनी फौज के लिए इन तैयारों को किसी भी तादाद में बनाने में कोई इतना बड़ा मसला या बहुत बड़े अखराजात नहीं आते। लेकिन जब वो भारत को ये फरोख्त करता है तो उसमें एक बहुत बड़ा मुनाफा जो है वो रखा जाता है, जैसा कि 27 फरवरी को पाकिस्तान के हाथों जब दो भारतीय जहाज गिराए गए तो उससे पहले राफेल की कीमत फ्रांस ने कुछ और लगाई थी, लेकिन उसके बाद उसकी कीमत 3 गुना बढ़ गई थी, जिस पर भारत में काफ़ी हंगामा भी हुआ था कि ये एक करप्शन हुई है। लेकिन असल में करप्शन का तो मुझे इल्म नहीं है कि कितनी हुई थी या नहीं, लेकिन फ्रांस ने उस मजबूरी और उस खौफ की कीमत भी शामिल कर दी थी जो कि उस वक्त भारत को पाकिस्तान एयरफोर्स से लाहक हो गई थी, और अभिनंदन उस वाक्य में पाकिस्तान में कैद हो गया था जो कि बाद में पाकिस्तान ने वापस कर दिया था। अब यहाँ पे आप अगर सऊदी अरब की बात देखें तो वो भी अमरीकी हथियारों को, रूसी हथियारों को खरीदता है, लिहाजा रूस हो गया या फ्रांस, ये खुद के लिए हथियार बनाते हैं, इनकी घर की खेती है, लिहाजा इन्हें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और मतलूबा तादाद और ज़रूरत में ये अपने हथियार अपनी फौजों के लिए उसका बंदोबस्त आसानी से कर लेते हैं, जबकि बाकी खरीदार मुल्क हैं उन्हें उन पैसों का बंदोबस्त करना पड़ता है जो उसकी कीमत मुकर्रर होती है, और इस वजह से उन्हें अपने दिफाई बजट भी ऊपर रखने पड़ते हैं। जबकि नाज़रीन यहाँ पे आपको बताते चलें कि इसराइल का दिफाई बजट 22 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का दिफाई बजट कागजी कार्रवाई में 13 अरब डॉलर बताया जाता है, जबकि आलमी सतह पर जो इदारे हैं वो इस दिफाई बजट को मुकम्मल नहीं मानते, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये दिफाई बजट इससे ज़्यादा है, यानी इसमें चीन की तरफ से जो फौजी इमदाद है या पाकिस्तान के दीगर दोस्त मुल्कों की तरफ से जो फौजी इमदाद है वो इसमें शामिल नहीं है, और वो इमदाद कितनी है इसका उन्हें इल्म भी नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के ऐलानिया दिफाई बजट का जो फिगर बताया जाता है वो 13 अरब डॉलर है, लेकिन असल में ये कितना है इसका इल्म नहीं है, आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी बहुत से मामलात में इसे खुफिया रखा जाता है, और ख़ास मिशन और ख़ास अहदाफ को हासिल करने के लिए खुफिया बजट भी होते हैं, जैसे कि ISI के बजट के बारे में किसी को नहीं पता। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो इंतहाई मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको बगैर किसी जहमत उठाए हमारी तमाम तर वीडियो आसानी से मिल सकें। जबकि इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमें
और हमसे डायरेक्ट रابطے में रहिए। वीडियो के हवाले से कमेंट में अपनी सजेशंस और राय भी जरूर दीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।